पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी आइंदा हफ्ते आईसीसी की मीटिंग में आईसीसी हुकाम और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह से मुलाकात करेंगे, मगर उनको एश्योरेंस चाहिए कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी जो आइंदा बरस फेब में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। ऐसा ना हो कि हम स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा लें और भारतीय खिलाड़ियों की बारात आए। हम होस्ट हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को आगे खेलना ही खेलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आईसीसी के इवेंट के अंदर ये सब कुछ हो। इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चलाते, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कलैप्स भी हो सकता है। यानी एक तरह से भारत पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है, इसलिए पाकिस्तान को अब ये डर है कि कहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी उनकी क्रिकेट टीम पर भी बीसीसीआई के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दें। पाकिस्तान के लिए थोड़ी परेशानी है जिसका हल पाकिस्तान आईसीसी के जरिए ढूंढना चाह रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया है, इनको क्या होना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए? नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, ये हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। अगर किसी ने हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन सकता है? माना फिर आप कहते हो पाकिस्तान के लोग इसको ना माने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड क्रिकेट को चलाता है, हम जो अजराए मजाक कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि सियासत को साइड पर रख दें। अगर आप नहीं खेलना चाह रहे पाकिस्तान से, तो 13 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा है। जीरो वैल्यू, एक आने की वैल्यू नहीं है आईसीसी की भारत के आगे, वो जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उस सब के ऊपर हावी होना चाह रहा है। इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरे ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए, और जय शाह जो है उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में ना लेकर आए। अब आईसीसी को जो कि उनको होश के नाखून लेना पड़ेंगे कि आए और इसका सामना करें, और उनको कहें कि आप जाएं, हमने उनको टूर्नामेंट दिया हुआ है और आपको वहां पर जाकर खेलना है। अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर आप उस साइड पर बैठे। पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेट हो जाएगी और ये इंडिया कामयाब हो जाएगा ये साबित करने में कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी होस्टिंग राइट पाकिस्तान को मिली हुई है, जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी अब बीसीसीआई और आईसीसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि भारत को हम पहले इंश्योरेंस करना होगा कि पाकिस्तान में 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा या नहीं, क्योंकि भारत पहले ही क्लियर स्टांस दे चुका है कि हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों को अभी से डर सता रहा है कि अगर भारत नहीं आएगा तो हम पाकिस्तान वालों का चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी आइंदा हफ्ते आईसीसी की मीटिंग में आईसीसी हुकाम और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह मुलाकात करेंगे। एजेंडा यह है कि पाकिस्तान तैयारी करने लगा है, अपने स्टेडियम को अपग्रेड करेगा, मगर उनको एश्योरेंस चाहिए कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी जो आइंदा बरस फेब में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। ऐसा ना हो कि हम स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा लें और भारतीय खिलाड़ियों की बारात आए ना, तो फिर क्या होगा हमारे साथ? और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो ये सोच रहा है कि हमें एश्योरेंस चाहिए और आईसीसी इस चीज़ की गारंटी दे कि भाई आप तैयारी पूरी करें और शुरू करें, भारतीय टीम जरूर आएगी। ये अगले आइंदा हफ्ते जो है मीटिंग है आईसीसी की, और इसके अंदर जो पाकिस्तान के नए चेयरमैन पीसीबी बने, ये सिर्फ चेयरमैन पीसीबी नहीं है, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, अभी बने नहीं हैं बट एक्सपेक्टेडली वो होंगे, तो इनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज ए क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन और पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेटअप के अंदर, अगर वो इंटीरियर मिनिस्टर बन जाते हैं तो इसलिए इनका आईसीसी इजलास में पहली शिरकत होगी एज ए चेयरमैन पीसीबी। और इनका जो माइंड है अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, वो चाह रहा है कि भाई हमें अभी से बता दें कि भाई इंडिया ने आना है। ये ना हो कि पिछली दफ़ा जो एशिया कप में किया कि हमने अपने मैचेस भी श्रीलंका में खेले, सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान के अंदर हुए और हमारी टीम ने ही सबसे ज़्यादा सफ़र किया। इंडियन हुकूमत नहीं चाहती कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान सफ़र ना करें, तो पाकिस्तान को किस चीज़ की उसमें सज़ा मिलनी चाहिए? ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का हक है। देखें 1996 के बाद, या मेरा ख्याल आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान ने नहीं किया ना खान साहब, 96 के बाद, तो आप देखें कि 27 साल हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ये अहल नहीं है, इसकी हकदार नहीं है कि उनको आईसीसी के इवेंट्स मिले? इस दौरान एक मरतबा 2008 में मेरा ख्याल एशिया कप हुआ है, और उसके बाद ये 3 मैचेस पाकिस्तान में, ये 4 जो भी खेले गए थे उसके हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, ये अब यूएई वाली बात नहीं है, ये तो मतलब उस वक्त है ना कि जब सबकी सब टीमें कहें जी हमने खेलने के लिए आना ही नहीं है पाकिस्तान। अपने आप को वीक क्यों समझ रहे हैं? देखिए आप तो पाकिस्तान का मौकफ ही होना चाहिए ना। ये आर्ग्यू कर रहा है कि अब आईसीसी इवेंट ही है चैंपियंस ट्रॉफी, तो क्या भारत वो पाकिस्तान आएगा? और इस चीज के लिए पाकिस्तान को एश्योरेंस चाहिए बीसीसीआई से बजरिया आईसीसी, लेकिन वो जय शाह साहब से भी मुलाकात करेंगे। अब हिंदुस्तान टाइम ने एक कोटेशन लगाई है, सोर्स का नाम नहीं बताया, बट बीसीसीआई ऑफिशियल के नाम पे उन्होंने बोला कि हमारा मौकफ एक ही है कि भाई हम अपनी हुकूमत को बताएंगे कि ये इवेंट है, अगर वो हमें परमिशन देंगे तो हम चले जाएंगे, अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो हम नहीं जा सकते, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज हमें हमारे से इंश्योरेंस चाहिए जबकि मार्च चल रहा है उस इवेंट के लिए जो आइंदा बरस फर्म में होगा, तो भाई हम ये कैसे दे सकते हैं? ये उनका मौकफ है, और जाहिर है जय शाह साहब
यही बात हो सकता है वो मोहसिन नकवी साहब को भी कहें कि भाई मैं आपको अभी कैसे परमिशन अश्योरेंस दूँ। अब सिचुएशन क्या है कि पाकिस्तान ने इंडिया जाना हो या इंडिया ने पाकिस्तान जाना हो, ये बात तो तय है कि हुकूमती जो है ना परमिशन ज़रूरी है दोनों की तरफ से। पाकिस्तान में सिचुएशन इसलिए थोड़ी सी क्लियर है कि हमारे इलेक्शन हो गए हैं, गवर्नमेंट बन गई, मगर भारत में अभी इलेक्शन होने हैं। और अगर ये बात अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि इंडिया हमें बता दे, तो मुझे लगता है कि अभी तो शायद कोई अश्योरेंस वाला टाइप सीन होगा नहीं। अब मोस्ट एक्सपेक्टेडली वहाँ पर गवर्नमेंट फिर मोदी जी की बनेगी, बट ऑफकोर्स इलेक्शन से पहले तो इस तरह का कोई डिसीजन बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल नहीं होने वाला। एक क्रिकेट बोर्ड की वजह से पाकिस्तान के ऊपर हाथ इस बार मारना बहुत मुश्किल होगा इस बार, क्योंकि इस इवेंट के अंदर इंग्लैंड इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, न्यूजीलैंड इन्वॉल्व है, वेस्ट इंडीज इन्वॉल्व है, वो एशिया कप था अपने अफगानिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई ने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, और वो इतने शहजादे किस्म के बोर्ड हैं, उन्होंने फिर जो ना वो जय शाह को आगे एसीसी की एक और साल की सदारत दे दी है। आप उनका अंदाज़ा तो यहाँ से लगाएं। अब जब वर्ल्ड कप का इवेंट है तो आईसीसी के जो रूल्स हैं, ये जो रूल ऑफ बिजनेस बनाए गए हैं, उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसे जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड क्रिकेट को चलाता है, हम जो अजराए मजाक कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि सियासत को साइड पर रख दें। अगर आप नहीं खेलना चाह रहे पाकिस्तान से, तो 13 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा है मजबूत, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी तक तो रमीज राजा ने बहुत अच्छी बातें की हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जल्दबाजी में अपना रद्द अमल नहीं दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जो एक चीज नजर आती है थोड़ा अपनी यादों को ताजा करते हुए, 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था अगर आपको याद हो, 2011 में जो वर्ल्ड कप होना था 50 ओवर का, वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने होस्ट करना था, तो पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, तो पाकिस्तान से मेजबानी वापस ले ली। एजाज बर्ड उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने आईसीसी को लीगल नोटिस भेजा कि आप किस तरह पाकिस्तान से मेजबानी वापस ले सकते हैं। फाइनली ये हुआ कि पाकिस्तान में मैचेस नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के पूरे पैसे मिले और पाकिस्तान को जो मेजबान की हैसियत से जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल सकती थी आईसीसी की तरफ से वो मिली। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर पीसीबी इस महाज पे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है, वो इसलिए जेन्युइन है कि भाई ग्राउंड अपग्रेड कराने हैं और जो इंतजाम होते हैं किसी भी ऐसे इवेंट के, वो लगभग 6 माह पहले से शुरू हो जाते हैं। अगरचे जो मैच से रिलेटेड जो इंतजाम होंगे उसके पैसे सब आईसीसी देगा, मैं ग्राउंड अपग्रेडेशन की बात नहीं कर रहा, जो मैच प्रिपरेशन के लिए होते हैं, और आईसीसी का ऑफिस भी यहां पर लाहौर, कराची, व्हाटएवर, जिस भी सिटी में बनेगा, और आईसीसी सारा ऑपरेट भी कर रहा होगा। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जाकर आईसीसी को बताएगा कि भाई हमारा ये प्लान है, हमने ये ग्राउंड में ये काम करने हैं, ये स्पेक्टेटर्स के लिए हमने बढ़ा देना है और सब चीज़ें। ऑफकोर्स इस चीज़ को लेकर भी बातचीत होगी कि अगर इंडिया टीम आ रही है तो आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या इंडियन फैंस, इंडियन जर्नलिस्ट और बाकी मामला जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में उठाया था, वो जाहिर है वो आईसीसी पूछेगा पाकिस्तान से कि आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे। तो बहुत से सवाल जो आईसीसी करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, बहुत से जो अरमान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो आईसीसी के सामने रखे जाएंगे। तो आइंदा हफ्ते ये इजलास होने हैं और इसमें मुझे एज ए जर्नलिस्ट कोई बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक इलेक्शन भारत में नहीं होंगे तब तक तो कोई मुझे नहीं लगता कि बर्फ को पिघलने वाला सीन। और उसके जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर सोशल मीडिया पर बैठकर बातें कर रहे हैं कि अगर बीसीसीआई अपनी टीम भारत नहीं भेजेगी तो हमारा पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो फरवरी में होना है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी, जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी अब आईसीसी और बीसीसीआई के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, जो कि 15-16 मार्च के आसपास होने वाला है, जिसमें तय होगा कि भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी या नहीं, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को ऐसा डर लग रहा है। वहीं बीसीसीआई ने पहले ही बातें कर चुका है कि हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी ट्रॉफी हो हम खेलने नहीं आएंगे, चाहे वो आईसीसी का ट्रॉफी हो चाहे एशिया कप हो। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से एशिया कप में मतलब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिली हुई थी लेकिन भारत फिर भी नहीं गया और भारत अपना हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में मैच खेला, जो कि इन पीसीबी वालों ने मान गया था। वहीं इन पाकिस्तानियों का अब कहना है कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, हम तो आईसीसी का इवेंट जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में उसमें भारत में खेलने गए थे, पाकिस्तान का कहना है, तो भारत को भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होना है उसको खेलना आना पड़ेगा, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। अगर आईसीसी बाइकआउट मतलब अगर आईसीसी से बाइकआउट करता है बीसीसीआई तो पूरी तरीके से बीसीसीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, जिसको लेकर रमीज राजा जो कि पाकिस्तान के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं पीसीबी के,
उनका कहना है कि अगर बीसीसीआई को आईसीसी से निकाला जाता है तब पूरी क्रिकेट बोर्ड खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि जो 90% रेवेन्यू जनरेट करती है वो बीसीसीआई है, और जो बीसीसीआई 90% रेवेन्यू जनरेट करके मतलब आईसीसी को देती है वही सभी बोर्डों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बीसीसीआई इस मतलब टूर्नामेंट से बाइकआउट करती है तो पूरी तरीके से मतलब जो चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं बल्कि कोई भी ट्रॉफी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करने वाली बोर्ड है वो बीसीसीआई है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में जितने प्लेयरों को ज्यादातर सैलरी दिया जाता है उसमें 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है बीसीसीआई का। इस वजह से इन पाकिस्तानियों का क्रिकेट बचा हुआ है जो कि ये बातें कर रहे हैं कि बीसीसीआई अगर नहीं आती है तो हम उसका बाइकॉट करेंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है उसमें भारतीय टीम जाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।